हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर्ज़ा होराइज़न 5 को। लास्ट वाले एपिसोड में प्रोलॉग में हमने देखा था कि एक बहुत ही बड़े विशाल एरोप्लेन से एयर ड्रॉप पैराशूट लैंडिंग होती है, बहुत ही सुंदर लाजवाब रेसिंग और ऑफ रोड कारें, और उन डिफरेंट डिफरेंट कारों को चला चला के हम लोग पहुंचते हैं मैक्सिको के सबसे बड़े होराइज़न कार्निवल फेस्टिवल में, और वो रेस हम जीतते भी है। तो पहले इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि उस रेस को जीतने पे हमें इनाम में क्या मिलता है। और अगर आप लोगों ने इनकी वो एपिसोड नहीं देखा है, मैंने उसका ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हो। और आज के इस एपिसोड में मेन गेम शुरू होने वाली है, यानी जो भी इवेंट्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, रेसेस होंगी, वो सारी डिफ़िकल्ट और बहुत ही मुश्किल होंगी। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैंने अपना ये एनर्जी ड्रिंक भी तैयार कर लिया है। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेल गाइस, हम आ चुके हैं, सब लोग हमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारा सम्मानित हमारा वेलकम कर रहे हैं। और सही में गाड़ी एकदम क्लासी ओपी दिखाई, इसका नाम पता नहीं, मर्सिडीज ब्रांड है। और ये हैं हम, मैंने इसको थोड़ा भारतीय लुक दिया है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा। और ये है वो मैक्सिको होराइज़न फेस्टिवल। सही में गेम की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया हुई है, चलो देखते हैं आगे क्या है। If the rumors about what you can do with the engine are true, sure we will. Oh, speaking of, did we get a delivery? Arrived this morning. Ah! क्या कारें एंटर कर रही हैं, वो ही सुप्रा A90, और ये हमारे सारे क्रू मेंबर्स हैं। तो अभी हमें इन गाड़ियों में से एक कार सिलेक्ट करनी है, मैं सुप्रा लेने ही वाला हूँ। पर ये वाली कार भी वैसे अच्छी है, चेवरोल्ट की। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए अभी। फोर्ड ब्रॉन्को नहीं, ये भी नहीं, ये लेते हैं सुप्रा GR सुप्रा A90। इसको बाद में हम कस्टमाइज करके अपडेट भी कर सकते होंगे। ग्राफिक्स सही में बहुत ही बढ़िया, अल्ट्रा रियलिस्टिक इनसेन क्वालिटी के दिखाए हैं। तो अब हम ये सुप्रा चलाएंगे, पर कैसे चलाएंगे? अच्छा, प्रेस एंटर ना, चलो। अभी हमें नंबर प्लेट चेंज करनी होगी, थोड़ा और सब्र रखना पड़ेगा। मैं अपना खुद का नाम ही लिखता हूँ, थोड़ा टाइम लगा मुझे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इससे मैं स्किप कर दिया वो सेक्शन। ओके, तो फाइनली हम ये चला रहे हैं सुप्रा A90। और अभी हमें किसी मेन इवेंट के पास जाना होगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रेस करनी होगी। Hey champion, talk about making an entrance. I know you've just arrived, but our first showcase is ready to roll. We just need our superstar. तो ये डेस्टिनेशन पे ही दे रखा है, हमें वहाँ तक जाना, काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब सुप्रा A90 बैठे हैं, कोई भी रास्ता बहुत बड़ा क्यों ना हो, एकदम फटाफट चुटकी मार के आराम से निकल जाएगा। वेल, तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं रियलिटी में सुप्रा कार चल रहा हूँ मैक्सिको की इन स्ट्रीट्स पे। और 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में तो बात ही कुछ और है। और अभी हम करंटली आ चुके हैं उस शोकेस इवेंट पे, और अभी जो ये रेस होने वाली है ये काफी मुश्किल होगी। ये रहा वो इवेंट। ओके, और ये वही एरोप्लेन है जो हमने प्रोलॉग में देखा था। अब यहाँ पे कौन सी गाड़ी लैंड होने वाली है, देखते हैं। अरे नहीं पता ही, सस्पेंस रखा। वेल, तो दोस्तों आई थिंक ये है वो जगह जहाँ पे हम रेस करने वाले हैं। ना ना ना, बहुत डिफ़िकल्ट रेस लगती है, और पहली रेस है, हमें कैसे भी करके जीतनी। अरे सुप्रा कार भी थी इन लोगों ने, ये वाली कार भी चलो चलेगा, नॉट बैड। अभी हमको रेस जीतने से मतलब रखना है, कोई भी कार हो। क्या हमें इस एरोप्लेन के अंदर जाना है? नहीं नहीं, तो टेक ऑफ हो रहा है, नीचे कुछ दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। टेम्पल ऑन द रनवे, टेम्पल तक जाना, टेम्पल में जाके क्या करेंगे? हाई जंप है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओ बाप रे, एयरबोन, काफ़ी देर तक हम हवा में रहे। ओ वाह, अभी यहाँ पे ड्रिफ्ट मारनी है, कि ध्यान से ड्रिफ्ट मारना। ओके, बहुत जोर के टर्न मत मारना। हो गया हो गया हो गया, वो बच गए बच गए। बहुत जोर का टर्न नहीं करना है, वरना पूरा हम लोग घूम जाएंगे। और यहाँ पे लगता है एरोप्लेन कोई कार लैंड करने वाला है। एक और हाई जंप है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। परफेक्ट परफेक्ट। ओके यार,
ड्रिफ्ट कब मारेंगे, मुझे ड्रिफ्ट मारने का बहुत मन कर रहा है और हमें सारे के सारे चेक पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, और अगर हम लोग बीच से नहीं निकलते हैं तो हमें फिर से रिवाइंड करके बैक जाना होगा और मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ध्यान से खेलना है और हमें सड़क के बीचों बीच ही निकलना है, ऑफ रोड जाना नहीं है। और यहाँ पे ध्यान से, अरे यहाँ पे ड्रिफ्ट मत मारना, नहीं 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 नहीं, अरे थोड़ी डैमेज हो गई। ड्रिफ्ट मारने का जब टर्न आएगा तब हम मारेंगे, अभी इतना एक्साइटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम होश में गाड़ी चला। अभी एरोप्लेन कर क्या रहे, कौन सी गाड़ी लैंड करने वाले हैं? अच्छा ये तो बाइक्स हैं, ऑफ रोड बाइक्स है ऊपर से, ये तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ। हम अभी मैक्सिको की स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं और ये बाइकें तो बड़े आराम से शॉर्टकट ले लेके पहुंच जाएंगी आगे। ये तो वो वाली बात हुई, आप बंदरों को चीते के साथ रेस लगा रहे हो, तो वो भी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे पेड़ भरे हुए हैं, तो बंदर बड़े आराम से जीत ही जाएंगे ना? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है। चलो हम काफ़ी आगे पहुंच गए, एक ही बाइक बचा है, एक भी बाइक क्रैश हुआ मैंने देखा अभी। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार, ड्रिफ्ट मार। अरे चल हम लोग एक ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ बिल्कुल प्लेन सपाट सड़क हो। अभी यहाँ पे बहुत जिगजैग दिखाई है, अभी एक और अच्छा टर्न आएगा तब ड्रिफ्ट मारता हूँ मैं। ये रहा वो टर्न, अभी ड्रिफ्ट मार। नहीं यार यहाँ पे भी ड्रिफ्ट नहीं मार सकते। अभी हम बहुत क्लोज आ चुके हैं, अभी भी थोड़ी देर है, रेस ख़त्म होने वाली है और अभी मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बाइकर मेरे से आगे है। मैं सारे चेक पॉइंट्स ले लिए पर इनकी स्पीड वैसे ओवरऑल बहुत फास्ट है। ड्रिफ्ट मार, साइड स्वाइप भी ड्रिफ्टी होती मेरे ख्याल से। यार ये कहीं से भी बाइक्स आ रहे हैं मुझे पता ही चल रहा, देखा वो वहाँ से शॉर्टकट लेके आ गए। कोई बात नहीं, रेस तो हम ही जीतेंगे अल्टीमेटली। लगता है एक हाई जंप आने वाला है, एकदम रिलैक्स होके करना। चल है ये तो कोई हाई जंप था नहीं, अरे नहीं ये तो मुझे को रोलर कोस्टर लगती है, नीचे से ऊपर जाना। नहीं 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 ऐसा नहीं है, अरे हाई जंप नहीं आया, मैं इतना एक्साइटेड था। और ये क्या कोई स्काई डाइविंग कर रहा है, तो सारी बाइक्स चली गई, अरे हम जीत गए लगता है। आई थिंक हम लोगों ने जीत लिया है, आई थिंक सो, यस हमारी इज्जत बच गई। तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, 3 मिनट्स 37 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड का फर्क था। ऑल राइट दोस्तों अब हम देखते हैं हमें इनाम में क्या मिलेगा। अच्छा ये कार मिली है, इस कार का वैसे नाम क्या है? ओके 1994 फोर्ड एस्कॉर्ट हॉनिगन, और स्किल पॉइंट्स भी मिलते हुए। तो वेल दोस्तों यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।